यह है हिंडनबर्ग। नाज़ी जर्मनी के समय बना हिंडनबर्ग एक एयरशिप था, यानी कि यह आम एरोप्लेन की तरह इंजन से नहीं उड़ता था, बल्कि इसके अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स मौजूद थे जो हाइड्रोजन गैस से भरे जाते थे और जिनसे यह अपना वेट काउंटर करके उड़ता था। इस शिप का यूज़ उस टाइम की हाई क्लास के द्वारा यात्रा करने के लिए किया जाता था और उस टाइम पर यूरोप से अमेरिका के बीच में एयर ट्रैवल का और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वहाँ के जो रिच पीपल थे वो इस तरह के शिप्स का यूज़ करते थे। हालांकि अपनी पहली ही वॉयज पर हिंडनबर्ग का एक्सीडेंट हो गया था। 1937 में जब ये अपनी पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल वॉयज पर था, तब ये जर्मनी से न्यू जर्सी के लिए उड़ा और यात्रा काफ़ी अच्छी रही, लेकिन जब पार्क होने वाला था ये, तो उस समय इसमें आग लग गई और आग लगने की वजह स्पार्क को बताया जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस भरी होने के कारण ये पूरी तरीके से जल गया, वो भी आधे मिनट से भी कम में, और इसमें टोटल 35 लोगों की मौत हो गई।